अच्छा, पहले तो आप सबको प्यार प्रणाम सलाम। अपना सामोवर है, सामोवर में आया हूँ बहुत दिनों के बाद। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट हुआ करता था, हमारी भोजवानी जी, हमारी मम्मी चला दी थी। खैर, गौतम पाटोले हमारे, आई नो हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत सालों से जानता हूँ भाई को, और वो काम बहुत ऊँचा करता है, उनकी इज्जत मैं बहुत करता हूँ, और वो जब बुलाते मैं आ जाता हूँ। चारकोल पे उनका जो गेम आप देख रहे हैं, क्या क्या पीछे बना हुआ है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं भाई। मेरे को पेंटिंग वेंटिंग आता नहीं था, मेरा बाजू वाला पेंटिंग करता था बोलना। मगर ये गौतम बहुत ऊंचा है, उनका पूरा परिवार सॉलिड है, उनकी पत्नी स्कल्प्टर है, उनकी और उनका गेम। गौतम ज़रा ज़रा दाखो ना, कौन है गौतम? अरे राहुल म्हणजे हे तुम्ही गौतम साहता घ्या, मी रास्ता बोलणार नाही, मी आला इकडे आणि अभिनंदन आणि शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वाइड ले, थोड़ा पीछे से ले, वाइड ले, डप्पा पुराना स्कूल बस जॉइंट जॉइंट बोलते हैं। पीछे और पीछे, आप रास्ते में आ रहे हैं, आप पीछे आओ ना प्लीज, आप पीछे सर, सामने आया सर। Gautam is a very interesting artist. I first encountered Gautam at a art auction where I was bidding for his paintings aur neelami ho rahi thi and I was bidding and koi aur bhi bid kar raha tha, main aur bid kar rahi thi, koi aur bid kar raha tha aur main bas bahut chahti thi ki wo painting jo hai jiska naam joy tha ki main usko hasil karu aur apne sath ghar leke jaau, and I finally won the bid and I took the painting home. Aur phir Gautam ne kaha, Pooja ji, you know that's my painting that you bid for, and ever since then I've been in touch with Gautam and a huge fan of Gautam's art. And I think I have about 4 Gautam Patoles in my home. In fact, उन्होंने खास करके मेरी मम्मी के जो है एक बहुत खूबसूरत चाकोल इमेज बनाई है, एंड ऑल हिज आर्ट हैज सो मच फीलिंग। अगर आप चाकोल स्केचेस के आंख जब देखते हैं, सो मच इमोशन जो उनमें कैप्चर हो जाती है, एंड ही इज जस्ट एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड आई लव Gautam Patoles वर्क। टोटली इंस्पायर्ड, यू नो गौतम का काम हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, और जब मैं लंदन में शिफ्ट हुई, मेरे पास उनका लार्जेस्ट आर्ट पीस इज इन आर होम इन लंदन। सो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा पीस फिल्ड विद एलिफेंट्स हमारे लिविंग रूम के लिए बनाया है, और मेरे हस्बैंड की यू नो स्टडी जो एक बैरिस्टर की चेंबर्स में यू नो जिस तरह की पेंटिंग होती है, इज जस्ट रनिंग हॉर्सेस। तो हमने बहुत सारा काम गौतम से कमीशन भी करवाया है, और उनके एग्जीबिशंस हमें बेहद पसंद हैं।
इतना यूनिक काम करते हैं और मेरे लिए वो ना कि सिर्फ इंडिया के बट ग्लोबली आई थिंक ही इज़ द नंबर वन चारकोल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड फॉर मी. ही इज़ वंडरफुल. उनकी प्रिसिशन, द इमोशंस एंड द सब्जेक्ट्स बिहाइंड हिज पीसेज आर अमेजिंग. एक पीस उनका जो बहुत ही प्यारा है, एक छोटे से बच्चे का पीस है जो यू नो जिस तरह बच्चे सोते हैं. एंड नाउ आई नो दैट बिकॉज आई सी माई लिटिल गर्ल ऑलवेज स्लीपिंग लाइक दैट विद द बैक साइड ऑन टॉप. इट्स ब्यूटिफुल. एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज नेक्स्ट एग्जिबिशन जो बॉलीवुड फेसेस पर आधारित है. सो विशिंग गौतम ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ आइए जहांगीर आर्ट गैलरी में, आइए उनके काम को आप एनकरेज कीजिए. एग्जिबिशन इज ऑन फॉर अनदर 7 days. सो विशिंग गौतम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Gautam was a wonderful photographer and is a great painter. I have seen how he has transformed himself from a photographer to painter, and I think what he is doing is amazing.